तो भैया आज है 13 तारीख सुबह, मंडे, 13 या शायद 14 मंडे है मतलब। और अपन निकल चुके ऑफिस के लिए, आज थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन आज हम व्लॉग करेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो मैं लेंस लेके आया था उसका टेस्ट करेंगे, तो सोचा सुबह सुबह ही शुरू कर देते हैं अपनी जर्नी को। तो ये सुबह मेरी जर्नी शुरू होती है ऑफिस जाने से। अभी निकले हैं ऑफिस के लिए, आज थोड़ा लेट है, 8:30 बज रहे हैं कुछ। तो घर से ही निकलते ही सबसे पहले काम कराना है आज, पेट्रोल भरवाना है, क्योंकि पेट्रोल कम है स्कूटी में, तो पेट्रोल पंप पे चलते हैं। तो पेट्रोल डलवा लिया है, गुड टू गो। देखते हैं कितनी जल्दी पहुंचेंगे आज ऑफिस, रास्ता ट्रैफिक में लगा बहुत तगड़े वाला। रिंग रोड का ट्रैफिक, असली ट्रैफिक। ओ भाई, यहाँ तो सुबह सुबह हालत ही खराब हो जाती है यार, इतना ट्रैफिक होता है यार, मतलब क्या ही बताऊँ। सुबह सुबह सब वर्किंग पे निकल चले हैं। लोग कहते हैं मुंबई में दुनिया भर का ट्रैफिक है, दिल्ली में भी बहुत ही ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है दिल्ली में। ये सारा गुड़गांव साउथ दिल्ली जाने वाला ट्रैफिक है सुबह सुबह, नॉर्थ दिल्ली से वाया कैब अपने व्हीकल से या बसेस से, तो इरिटेटिंग मैन। तो अभी तक तो मैं स्कूटी चला रहा था, ऑफिस जा रहा था, एकदम से घर पे कैसे आ गया बताता हूँ। तो सीन कुछ ऐसे हुआ कि मैं गोप्रो लेके तो गया था, लेकिन चार्ज करना मैं भूल गया था, मैंने बैटरी पे ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ये लास्ट शॉट ख़त्म हुआ था वैसे ही उसकी बैटरी चली गई। तो अभी मैं हूँ अपने घर पे, कॉफ़ी पी रहा हूँ, ब्लैक कॉफ़ी फटाफट से पीता हूँ, वर्कआउट करने के लिए छत पे चलता हूँ, छत पे चल के बात करते हैं। तो लो भाई, लेंस पे आते हैं अपना डायरेक्ट, जो मेन चीज़ है इस वीडियो में उस पे आते हैं डायरेक्ट। तो मैं दिखाता हूँ आपको ये लेंस है कैसा कैसा दिखता है। पहले तो बता दूँ लेंस कौन सा है, ये कैनन का EFM लेंस है, 22mm f/2 STM प्राइम लेंस है, बहुत छोटा सा, बहुत ज़्यादा छोटा लेंस है, अपर्चर बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए ब्लर इतना तगड़ा मार रहा है, और लाइट्स भी कुछ ज़्यादा ही ऐड करता है, क्योंकि अब जितना अपर्चर कम होगा उतनी ज़्यादा लाइट्स ऐड होती जाएंगी उसमें। और इसका साइज़ मैं दिखाना चाहूँगा, मतलब इतना कॉम्पैक्ट साइज़ ना, ये देखो, अगर इसमें माइक ना लगा हो तो ये किसी पॉइंट एंड शूट कैमरा से कम नहीं है, इतना सा लेंस। इसका जो किट लेंस है ना वो भी इतना बड़ा होगा कम से कम, ये काफ़ी सही है। तो शुरू करते हैं इस लेंस की स्टोरी के बारे में। इस लेंस की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वैसे तो ये व्लॉगिंग लेंस नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वाइड नहीं है इतना, मतलब इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, 22mm है, तो दूर रख के करना पड़ता है कैमरे को। अगर ये 15mm होता या 14mm होता तो चलता, मतलब कि व्लॉगिंग के लिए पास में से पकड़ के। अगर मैं इसको अब यहाँ से पकड़ूँगा, मान लो मैं यहाँ हूँ, मेरा हाथ ऐसे है, तो इतना जूम करेगा कि सिर्फ मेरा फेस ही दिखेगा, बाहर की चीज़ें बहुत कम दिखेंगी। लेकिन इसको इसमें व्लॉग किया जा सकता है थोड़ा इतना डिस्टेंस मेंटेन करके, बस आपको थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा ताकि आपके माइक सुन ले। तो इस लेंस की स्टोरी कुछ इस तरह से थी, मेरे एक फ्रेंड है, काफ़ी अच्छे फ्रेंड है कैनन में, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू इस वाले लेंस को यूज़ कर, तेरा बैकग्राउंड काफ़ी ब्लर हो जाएगा इससे, और काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी आएगी ओवरऑल, क्योंकि इसका अपर्चर बड़ा सही है। मैं जैसे एक व्लॉग में बोला था कि रात को शूट करते में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उन्होंने मेरे को ट्रायल बेसिस पे लेंस दिया है, थैंक यू सो मच उनको इस लेंस को मुझे देने के लिए। अच्छा लेंस है, परफॉर्मेंस अच्छी है, फ़ोटोज़ वगैरह अच्छी आ जाती हैं,
मैंने अभी एक दो फोटोज़ क्लिक करी इंस्टाग्राम पे, आप जाके देख सकते हो, जो मेरी रिसेंट पोस्ट है वो मैंने इसी से क्लिक की थी, नाइट में की थी, इतनी अच्छी क्लियरिटी दी ना इस लेंस ने, मज़ा आ गया था मतलब। और प्राइम लेंस होने की वजह से इसमें जूम इन जूम आउट का तो चक्कर नहीं है, जो मेरे को बड़ा पसंद है अगर ना एज अ व्लॉगर, मतलब जितना भी मैंने अभी तक कैनन को यूज़ किया तो मेरे को जूम इन जूम आउट करना बहुत पसंद आता है। और यार ये लेंस ना बहुत ही ज़्यादा लाइट कैप्चर कर रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट कैप्चर कर रहा है, मतलब आसपास में ब्लर तो है अच्छी बात है, लेकिन अभी शाम के 7 बज रहे हैं, इस टाइम पे भी थोड़ा दिन ढलना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी लाइट कैप्चर करके ऐसा दिखा रहा है जैसे 2-3 बजे हुए हैं अभी दोपहर के। ऑल दो अभी मेरे को लॉकडाउन में इतना मौका मिला था कि मैं लेंसेज कैमरा के बारे में और ज़्यादा जान सकूँ, मैं इतनी डीप स्टडी करी इस बारे में, यूट्यूब्स पे वीडियो देखी वगैरह देखी, तो मेरे को इतना तो पता है कि ये वाला लेंस व्लॉगिंग के लिए नहीं है, इससे सिनेमेटिक्स बड़े मस्त आते हैं। तो सब लोग सीट बेल्ट लगा लो, शुरू करते हैं 120 FPS। कैसे लगे शॉट्स, मज़ा आया? अगर यार ये तो मैं घर पे था तो मेरे पास कुछ ज़्यादा था नहीं सिनेमेटिक्स लेने के लिए, अगर मैं बाहर जाऊँ तो मतलब इस लेंस से ना इतने अच्छे शॉट्स आएंगे मैं बता नहीं सकता, बहुत अच्छे शॉट्स। अच्छा एक बात और यार, एक तो ना ये बालों से मैं बहुत परेशान आ चुका हूँ, काफ़ी बड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब जब तक घर में था तब तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बड़े ही करना चाह रहा था, लेकिन जब से ऑफिस जाने लगा हूँ हेलमेट पहनना पड़ता, दिमाग ख़राब हो जाता, सर में दर्द होने लग जाता, बाल खींचते हैं, टूटते हैं, सारी चीज़ें हो रही है, तो मेरे दिमाग में अभी कुछ फितूर चल रहा है कि मैं उड़ा दूँ अपने सारे बाल। इससे दो फायदे होंगे, एक तो गर्मी है बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ी मेरे को सुकून मिलेगा, और दूसरा फ़ायदा ये कि जो मेरे बाल की अभी रफनेस हो रखी है ना ये थोड़ी ठीक हो जाएगी, छोटे बाल कर लेता हूँ एकदम बहुत छोटे छोटे से, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, अगर करूँगा ऐसा तो अगले व्लॉग में पता चल जाएगा, नहीं करूँगा तो यार ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि मैं सैलून में जाके नहीं कटवाऊँगा, और मैं पूरे बाल नहीं कटवाना चाह रहा अभी, क्योंकि सलून में जाना पड़ेगा पूरे बाल कटवाने के लिए, मतलब अच्छी कटिंग कराने के लिए, लेकिन सलून में अभी जाना बहुत रिस्की है, तो मैं नहीं जाना चाह रहा, अपने आप को रिस्क में, अपनी फैमिली को रिस्क में नहीं डालना चाहिए, तो ऐसा करते हैं घर पे ही ट्रिमर है अपना, कर लेते हैं काम। आज एक बहुत दुख भरी खबर आई थी सुशांत सिंह राजपूत की, वैसे ये जब लोग आप देख रहे होंगे तब तक तो 2-3 दिन हो चुके होंगे उस बात को, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा। यार इंडिया में डिप्रेशन को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता, सीरियसली लेना चाहिए इंडिया में भी डिप्रेशन को, लोग बोलते हैं कोई नहीं दवाई खा ले बात कर ले, यार इतना इजी नहीं होता, जो बंदा डिप्रेशन से जा रहा होता है ना वो किसी से क्या बात करेगा, मतलब क्यों ही बताएगा वो डिप्रेशन में, अगर वो बता दे तो सारी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह होनी चाहिए डिप्रेशन को लेके, इतना नहीं है इंडिया में, इतना ध्यान नहीं करते यार, बाहर की कंट्रीज़ में काफ़ी सीरियस मैटर माना जाता है। अब क्या बताऊँ, बस यही कहूँगा कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले अपनी बारे में ना सही, अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए इंसान को। जो मैं बुक पढ़ रहा था अभी डेथ, जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था सातगुरु ने वो बुक लिखी है, जग्गी वासुदेव सातगुरु, काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब उस बुक में, वो बुक अगर कोई पढ़ लेगा ना तो डिप्रेशन वाला बंदा कोई अगर वो बुक पढ़ ले तो उसका डिप्रेशन अपने आप ही चला जाए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उस बुक में इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया गया है डेथ और लाइफ के जो मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में उसके बारे में, पूरी बुक इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग बुक है ना, वो पढ़ने के बाद आप जीना सीख जाओगे। और मुझे काफ़ी सारे दिन हो गए हैं वर्कआउट किए, मतलब शायद 1 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है मेरे को वर्कआउट किए, जब मैंने वो पंचिंग बैग वाला व्लॉग बनाया था तो उसके शायद 2-3 दिन बाद मैंने बंद कर दिया था वर्कआउट करना, क्योंकि बहुत
गर्मी थी यार, इतनी ज़्यादा हीट थी ना, मैं परेशान हो रखा था हीट में। एक तो ये बालों ने दुखी कर रखा था, लेकिन आज मैं वर्कआउट करूँगा। वर्कआउट के मूड से मैं छत पर आया हूँ। तो आज वर्कआउट में क्या करना है? आज वर्कआउट में 100 पुशअप्स, 100 डेडलिफ्ट्स और 100 स्क्वाट्स विद वेट। मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, फटाफट से आप मेरा वर्कआउट देख लो, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू रखेंगे। और इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अगर पसंद आया हो तो भाई लाइक कर देना, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक दबा देना, लेकिन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर दबाना। और इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी किसी अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए एज ऑलवेज गुड बाय एंड टेक केयर। और भाई ज़िंदगी है और भाई लाइफ है, इसको पूरे मज़े से जियो, खाओ पियो, खुश रहो, लोगों को खुश रखना सीखो, खुद खुश रहना सीखो, सबसे बड़ी बात। तो आज का ज्ञान यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलो भाई, बाय बाय। Thank you.